तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और हाँ बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये कहानी है लखनपुर गांव की, जहां रामदास अपने परिवार के साथ रहता था। रामदास बहुत ही गरीब था। उसके परिवार में उसकी बीवी माला और उसके दो बच्चे पिंकी और चिंटू थे। रामदास एक कुम्हार था। वो मिट्टी के बर्तन बनाता था और उन्हें बाजार में बेचा करता था और उन्हीं से अपना घर चलाता था। वो लोग बहुत ही प्यार से रहते थे। फिर दिवाली का त्योहार आता है। रामदास के बच्चे पिंकी और चिंटू से कहते हैं, पापा दिवाली का त्योहार आ रहा है, सब बच्चे अपने अपने पटाखे लेकर आ गए हैं, हमें भी पटाखे लाने हैं। और पापा हमारा घर छोटा है, पर फिर भी हम इसे इस बार सजाना चाहते हैं। मोहल्ले में सब ने अपने घरों में लाइट लगा दी है, हमारे घर में ही नहीं लगती। हम भी इस बार अपना घर बहुत अच्छे से सजाएंगे और नए कपड़े और मिठाइयाँ भी लेकर आएंगे। सब लोगों की तरह हम भी इस बार त्योहार बहुत अच्छे से मनाएंगे। हाँ पापा, पिंकी दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। इस बार हम भी दूसरे लोगों की तरह पटाखे, दिए और अच्छे अच्छे कपड़े और मिठाइयाँ खरीदेंगे। हम हर बार ऐसे ही रह जाते हैं। इस बार आप हमारे लिए भी अच्छे अच्छे तोहफे और मिठाइयाँ लेकर आना। हाँ बच्चों, तुम किसी बात की चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा और मैं तुम लोगों के लिए पटाखे, कपड़े और मिठाइयाँ लेकर जरूर आऊंगा। चलो अब मुझे दिए बनाने हैं, मुझे दिए बनाने दो, क्योंकि त्योहार में सिर्फ एक ही हफ्ता रह गया है। जितना सामान अब बिक जाएगा वो ही बिकेगा, वरना बाद में नहीं बिक पाएगा। मुझे ये बनाकर बेचने जाना है। रामदास अच्छे अच्छे दिए बनाता है और पूरी रात मेहनत करता है और अगले दिन बाजार में जाकर ठेला लगाकर खड़ा हो जाता है। वो सुबह से शाम तक खड़ा रहता है। लोग आते हैं लेकिन उसके दिए नहीं खरीदते। वो रंग बिरंगे लाइट लेकर जाते हैं, फूल लेकर जाते हैं, लेकिन दिए कोई नहीं लेकर जाता। उसका एक दिन ऐसा ही जाता है, दूसरा दिन भी उसका ऐसा ही चला जाता है। उसका एक दिया नहीं बिक पाता। वो बहुत उदास हो जाता है और वो जब रात को घर जाता है तो उसकी बीवी उससे पूछती है, अजी क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आज भी कोई दिया नहीं बिका क्या? मैं क्या करूं माला, आजकल लोग दियों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। उन्हें तो बाहर विदेश से लाइट ही पसंद आती हैं और अलग अलग तरीके के बनावटी फूल पसंद आते हैं। घर सजाने के लिए कोई भी दिए लेना पसंद नहीं करता। मैं पूरा दिन वहाँ पर लोगों की खुशामद करता हूँ कि मेरे दिए खरीदें, लेकिन कोई भी मेरे दिए नहीं खरीदता। और मैं अपने बच्चों को क्या कहूँगा, इस बार मेरे बच्चे मुझसे इतनी उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि मैं उन्हें नए कपड़े, मिठाइयाँ दिलवा दूंगा, पटाखे दिलवा दूंगा, लेकिन उनसे मैं क्या कहूँ। मैं कुछ भी कमाई नहीं कर पा रहा हूँ, लोग मेरे दिए नहीं खरीद रहे हैं, तो मैं अगर कुछ कमाऊंगा ही नहीं तो अपने बच्चों को मैं कहाँ से कुछ लाकर दूंगा भला। अजी आप किसी बात की चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा, ऐसे दिल छोटा करने से कुछ नहीं होता। अच्छा मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। मैं आज पड़ोस में टीवी देख रही थी तो मैंने देखा कि आजकल बड़े रंग बिरंगे दिए चल रहे हैं, तो क्यों ना आप भी रंग बिरंगे दिए लेकर जाए, शायद उससे कुछ हो जाए, लोग आपके दिए पसंद करने लग जाए और उन्हें खरीदना शुरू कर दे। रंग बिरंगे दिए? मैं तुम्हारी बात नहीं समझा, कैसे रंग बिरंगे दिए, और मेरे पास इतना समय ही कहाँ होता है कि मैं इन्हें रंग सकूं। इतनी मेहनत से तो मैं दिए बनाता हूँ, फिर उन्हें रंगने में बहुत टाइम लग जाएगा, मैं कैसे करूँगा ये सब। अजी आप क्यों चिंता कर रहे हैं, मैं हूँ ना आपके साथ, हम कल से एक साथ काम करेंगे। आप दिए बनाइएगा और मैं उन्हें सुखा कर उनमें रंग भरना शुरू कर दूंगी। और आप शायद भूल रहे हैं, मुझे रंग भरना बहुत पसंद है। मैं घर में भी रंगों से ही काम करती हूँ, दीवारों पर भी रंगोली बनाती हूँ, तो मैं उन पर क्यों नहीं बना सकती। आप चिंता मत करें, ये काम मैं करूँगी। अगले दिन से माला रंगों से खेलना शुरू कर देती है। वो सारे दियों में अलग अलग कलर भरती है और उन्हें बहुत ही सुंदर बना देती है। वो देखने में इतने सुंदर होते हैं कि ऐसा मन चाहे कि उन्हें एकदम से ले लो। रामदास भी उन्हें देखकर बहुत खुश होता है और उसके मन में एक उम्मीद जाग जाती है
कि शायद से अब लोग उसके दिए खरीदेंगे। वो अगले दिन बड़े उत्साह और उत्सुकता के साथ बाजार में जाता है और दिए लेकर खड़े हो जाता है, लेकिन अगले दिन भी उसके दिए नहीं बिकते हैं। फिर वो उदास होकर घर आता है। उसकी पत्नी फिर उसे समझाती है। अगले दिन से वो एक जगह खड़ा ना होकर पूरी बाजार में घूमना शुरू कर देता है और मन में सोचता है, हे भगवान, अगर मेरे दिए आज भी नहीं बिके तो मैं अपने बच्चों को क्या लेकर जाऊंगा। मेरा त्योहार तो ऐसे ही रह जाएगा, मेरी दिवाली नहीं बनेगी और मैं अपने बच्चों का उदास चेहरा नहीं देख पाऊंगा भगवान जी। फिर वो बहुत उदास होकर गली गली घूमना शुरू कर देता है। रास्ते में उसे एक औरत मिलती है और उससे कहती है, अरे भैया, तुम्हारे दिए कितने सुंदर हैं, कितने के दे रहे हो, मुझे ये खरीदने हैं। और तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिले, मैं इतनी लाइट्स बेकार ही लेकर आई, मैं तो आपके दियो से ही अपना घर सजाती। मैं तो यहीं बाजार में खड़ा था मालकिन, हम गरीब लोग क्या करें, हम इतनी मेहनत से दिए बनाते हैं लेकिन लोगों को आजकल दिए पसंद नहीं आते, वो तो लाइट और बनावटी फूलों से अपना घर सजाते हैं। हमारी दिवाली तो ऐसे ही चली जाती है, हमारी ना कोई दिवाली ना कोई त्योहार, हम अपने घर में ठीक से खाना भी नहीं खा पाते तो हम त्योहार क्या बनाएंगे। मेरे बच्चे आज बड़ी आस लेकर बैठे थे, आपने मेरी बोनी करा दी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और भी कुछ नहीं तो मैं अपने बच्चों के लिए कम से कम मिठाई तो लेकर चला ही जाऊंगा। वो औरत रामदास की बात सुनकर बहुत उदास हो जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि गरीब के घर में भी दिवाली बननी चाहिए। अगर हम लोग बड़ी बड़ी दुकान से सामान ना खरीद कर गरीब लोगों से सामान खरीदे तो उनकी भी दिवाली अच्छी बन सकती है। तो वो औरत रामदास की फोटो और उसके दियों की फोटो इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है और लिखती है, इतने सुंदर दिए, इससे अपना घर सजाए और आओ इनकी भी दिवाली रंगीन बनाए। फिर एक और मैसेज लिखती है, हम अगर इनकी मदद करेंगे तो इनके घर में भी दिए जलेंगे और ये भी अपना त्योहार अच्छे से मनाएंगे। फिर लोगों ने उसके ये मैसेज पढ़कर उसकी बातों को समझा और रामदास के सारे दिए एक घंटे के अंदर अंदर बिक गए। ये देखकर वो बहुत खुश होता है और उस औरत का मन ही मन बहुत शुक्रिया अदा करता है। वो उसकी जिंदगी में मानो लक्ष्मी का रूप लेकर आई है जिसने उसके सारे संकट दूर कर दिए। और वो बड़ा खुश होकर अपने बच्चों के लिए मिठाइयाँ कपड़े लेकर जाता है और उन्हीं दियों से अपना घर सजाता है और वो भी बड़ी खुशहाली से अपना त्योहार बनाता है। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि हम ये नहीं कहते कि आप फूलों से अपना घर मत सजाइए या लाइट मत लगाइए, लेकिन ये सब करने से पहले ये भी सोचे कि अगर हम दियों से अपना घर सजाएंगे तो गरीब के घर में भी दिवाली बन सकती है। अगर आप लाइट खरीदते हैं तो उसका 10% भी आप अगर दिए खरीद ले तो उससे दोनों का भला हो जाएगा। हमारी इस बात का ध्यान रखे और दिवाली के त्योहार को सबके लिए स्पेशल बनाए।